दुश्मन की पनडुब्बियों का अब काल नजदीक है। भारतीय नौसेना का रोमियो अब आने वाला है। जी हाँ, भारतीय नौसेना अगले हफ्ते कोची में नौसैनिक बेस पर 4 MH-60R हेलीकॉप्टर को आधिकारिक तौर पर शामिल करने जा रही है। ये हेलीकॉप्टर का R यानी रोमियो है। ये एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर क्षमता से लैस हेलीकॉप्टर है। 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। इसे भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात करने की भी योजना है। इसे फ्रिगेट, कॉर्वेट या डिस्ट्रॉयर्स से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बता दें कि रोमियो को अमेरिकी कंपनी स्कोरस्की बनाती है। रोमियो के कुल 5 वेरिएंट्स हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन खोजना और उसे बर्बाद करने में काम आ सकता है। इसे कई तरह के कामों में भी लगाया जाता है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों सेंसर्स और रडार लगे हैं, जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ान के लिए 30 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इनके अलावा 5 लोग बैठ सकते हैं। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 10 किलो से ज्यादा है, यानी पूरे हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ इसकी लंबाई 64.8 फीट है, ऊंचाई 17.23 फीट। MH-60R हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशेफ्ट इंजन लगे हैं, जो टेक ऑफ के समय कई किलोवाट की ताकत भी पैदा करते हैं। इसके मुख्य पंखे का व्यास 53.8 फीट है। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सीधे उठने की गति भी 1650 फीट प्रति मिनट है। बता दें कि रोमियो MH-60R वर्जन आमतौर पर एंटी सबमरीन वर्जन है। भारतीय नौसेना का उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए ये कार्य करेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन साकार हो सकेगा। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी कि एडवांस प्रोसेशन किल वेपन सिस्टम लगा है। इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती हैं, जिनसे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रैपिड एयरबोर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम यानी कि RMICS और 30 मिलीमीटर की MK-44 मोड 0 तोप लगाई जा सकती है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि इस रोमियो के साथ हारना निश्चित तौर पर नहीं होगा। बहरहाल, ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।